बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनने जा रहे हैं वो स्पेशल से हॉट एंड स्पाइसी हम बना रहे हैं स्पैगेटीज। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये मैंने कैबेज लिया है। ये मेरे पास बड़ा कैबेज था तो मैंने हाफ इसमें जूलियन कटिंग करके यूज़ करूँगी मैं। एड अदर कैरेट्स थे और ये भी मैंने जूलियन कटिंग कर लिए। स्प्रिंग अनियन मेरे पास 5 अदद थे, तो ग्रीन लीव्स ये है और उसका बाकी पार्ट ये रहा। शिमला मिर्च मैंने 4 से 5 अदद लिए, इसकी भी जूलियन कटिंग कर ली है। इसके अलावा हाफ कप आप केचप ले लें, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि स्पाइसी से बना रही हूँ तो मैंने लिया है ये चिली सॉस लिया है मैंने। इसके अलावा ये मैंने बारबेक्यू सॉस लिया है, ये मेरा होममेड है, मैं आपको इसको किसी दिन रेसिपी दूंगी। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए मैंने। इसके अलावा स्पाइसेस में हमें पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली, और ये मैंने तकरीबन ये भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है, और ये मेरे पास चाइनीज सॉल्ट 1/4 टीस्पून है। इसके अलावा चिकन भी आप देख सकते हैं, एक पूरा ब्रेस्ट लिया था और जूलियन कटिंग कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ओरिगैनो। वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ, आपको पता है कि ये कैबेज इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू फ्राई, तो मैं सबसे पहले इसको फ्राई करूँगी और कैरेट को, लेकिन सबसे पहले मैं कैबेज को थोड़ा सा फ्राई कर लूँ फॉर 1 मिनट ऑलमोस्ट, फिर मैं इसके अंदर कैरेट ऐड करूँगी, फिर इसको तकरीबन 2 मिनट्स के लिए फ्राई करूँगी एक साथ। तो चलें कैबेज को फ्राई करते हैं। देखें 1 मिनट के करीब मैंने हाई फ्लेम पे ये कैबेज को हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैं कैरेट डालूंगी और मज़ीद तकरीबन 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको भी फ्राई कर लूंगी। चलें इसको भी फ्राई करते हैं फॉर अबाउट 2 मिनट्स। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च को ऐड करते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च भी सिर्फ 1 मिनट ही कुक होगी ऑन हाई फ्लेम। तो हमने तकरीबन कैबेज को 1 मिनट, कैरेट को 2 मिनट, और ये जो हमने कैबेज डाला है इसको तकरीबन हम 1 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और फिर वेजिटेबल्स को निकाल लेते हैं। ये देखें, ये हमने जो है सब्जियों को सिर्फ फ्राई हल्का सा किया, हम नहीं चाह रहे कि इसको जो ज़्यादा कुक किया जाए, क्योंकि हमारे कैरेट हमारे शिमला मिर्च सिर्फ 4 मिनट्स की टोटल कुकिंग है। ठीक है, अब मैं इन सबको निकाल रही हूँ, तो अब इसको निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं और फिर हम फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब हमने वेजिटेबल्स निकाल ली, अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और इसको भी फ्राई करके इसको भी निकाल लेते हैं। चिकन चली गई, अदरक लहसुन हमारा ये चला गया इसके साथ, अब हम चिकन को भी फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, अब चिकन को हम कुक करते हैं अदरक लहसुन की मौजूदगी में, इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये देखें जी, फ्लेम आपका हाई होना चाहिए सारी वेजिटेबल्स कुक करते हुए भी और चिकन भी। चलें चिकन का कलर करते हैं चेंज और इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छा सा। जी हमारी चिकन भी आप देख सकते हैं कि फ्राई हो गई है, तो अगर मज़ीद इसमें कसर होगी तो अब हम इसमें जो डाल रहे हैं हम अपने ये टोमेटोस, ठीक है, और अब हम इसको हाई फ्लेम पर इसको कवर करते हैं और इसको हाई फ्लेम पर हम टोमेटोस को थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। चलिए जी, ये देखें तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने टमाटर को सॉफ्ट करने रखा था, ये 2 मिनट भी हो गए, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और हमारे जो चिकन है जो जूलियन कटिंग थे वो भी हमारे जी कुक हो गए। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जी मैं प्याज को शामिल कर रही हूँ, ग्रीन लीव्स को नहीं, अनियन के जो हमारा जो प्याज था ना उसको मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और आप देख रहे हैं कि मैं ज़्यादा ओवर कुक चीज़ों को नहीं कर रही हूँ, तो ओवर कुक ना करें तो अच्छा है, ताकि ज़ाहिर है जो हम वेजिटेबल्स की जो अफादियत है वो बरकरार रखना चाह रहे हैं, तो हम ज़्यादा कुक नहीं कर रहे। प्याज को भी सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सिर्फ हल्का सा फ्राई कर लें फॉर अबाउट 1 मिनट ओनली, ठीक है। तो 1 मिनट के करीब हम प्याज को सिर्फ फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद हम फर्दर इंग्रेडिएंट्स अपने शामिल करेंगे, क्योंकि हमने किसी भी वेजिटेबल को ज़्यादा कुक नहीं किया, हम चाह रहे हैं वो क्रंचीनेस कायम रहे। ये देखें तकरीबन 1 मिनट के करीब मैंने प्याज को भी सिर्फ जस्ट फ्राई किया, अब ये ओरिगैनो हमने इसमें शामिल कर दिया, अब इसको स्टिर कर लेंगे। चलें जी, ओरिगैनो को हमने इसमें शामिल कर दिया, इसको ज़रा सा स्टिर कर लेते हैं।
जबरदस्त सी खुशबू इस पॉइंट पे और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ इस वक्त। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब हम इसमें अपने सॉसेस, ये मेरे पास जो आप चाहें तो केचप डालें, मैंने जी इसमें चिली सॉस डाल दिया। ठीक हो गया, आप चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं स्पाइसी सब बना रही हूँ तो मैंने चिली सॉस डाला है। और वेजिटेबल की कटिंग करते हुए मैंने क्या किया था, वेजिटेबल की जब मैंने कटिंग की थी तो आपने देखा था जूलियन कटिंग थी, आप चाहें तो क्यूज में भी काट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बारबेक्यू सॉस, आप सोच रहे होंगे कि भाई इन्होंने सोया सॉस वगैरह क्यों नहीं डाला, तो मैं आपको बता दूं कि बारबेक्यू सॉस में ये ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इसलिए नहीं डाला। चलिए जी, अब हम अपने स्पाइसेस सॉस ऐड कर दिए सारे सॉसेस, अब ये मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ अपने। ठीक है, इसको स्टिर करते हैं। अब हम इस पॉइंट पे अपना पास्ता ऐड करेंगे, यानी कि स्पैगेटीज ऐड करेंगे। ये देखिए, ये स्पैगेटीज लिए थे, इसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया। पानी में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाला था, ऑयल डाला था 2 टेबलस्पून, इसको बॉईल कर लिया और इसको मैंने पास कर लिया ठंडे पानी से। अब मैं इसको ऐड करने जा रही हूँ अपने मसाले में। ठीक है, और साथ में आप स्टिर भी करते जाएं, और चूल्हा इस वक्त स्लो कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी हमारी कुकिंग जो है, अभी हम पास्ता, अब जो स्पैगेटीज है वो हम सारी ऐड कर लें, फिर हम फर्दर इसको स्टिर कर लेंगे। साथ साथ स्टिर भी करती जा रही हूँ और साथ साथ मैं स्पैगेटीज को भी ऐड कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कि हॉट एंड स्पाइसी से जी स्पैगेटीज हमारे रेडी हैं। अभी मैं वेजिटेबल्स भी इसमें शामिल करूँगी जब मेरे हाफ इसमें ऐड हो जाएंगे। ये देखें जी आप, लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। तो जब मेरे हाफ ऐड हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स को भी ऐड करती हूँ। चलें, अब इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स को ऐड करते हैं साथ में। चलें जी, अब इस पॉइंट पे हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। हमने अपने तमाम स्पैगेटीज डाल दिए, ये देखें जी खिली खिली सी वेजिटेबल्स हमारी, ये देखें। और ये हमारे जो स्प्रिंग अनियन के जो लीव्स थे, जिनको मैंने कोई स्टिर नहीं किया, कोई फ्राई नहीं किया, ये एज़ इट इज़ इसमें शामिल हो जाएंगे। रीज़न ये है कि ये सिर्फ अभी मैं इसको 1 मिनट के करीब दम लगाऊंगी ना, तो ये अच्छे से इसी में कुक हो जाएंगे। तो चलिए इसको मिक्स करें, इसको करते हैं मिक्स, और तकरीबन 1 मिनट के करीब इसको दम पे लगाएंगे, बिल्कुल दम पे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वेजी, ये जो हमारे जो लीव्स हैं स्प्रिंग अनियन के, ये भी अच्छे से कुक हो जाएंगे, सिर्फ 1 मिनट ही इसको चाहिए। चलें, अब हमें इसको कवर करते हैं और फिर मिलते हैं आफ्टर 1 मिनट। ये देखें जी, ये हमारे ज़बरदस्त से हॉट एंड स्पाइसी जी हमारे पास्ता, और ये आप कह सकते हैं स्पैगेटीज, ये रेडी है। डिश आउट करते हैं इसको, देखें जी कितना ज़बरदस्त सा लुक है, सब्जियाँ हमारी कैसी खड़ी खड़ी हैं, और ज़बरदस्त से जी हमारे पास्ता रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी आपको दी है। उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।